नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। -13 गिवन, हियर -13 वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल टू -1/13, जस्ट लाइक एज ए रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, -5/8 इंटू -3/7, सब टूगेदर नंबर विल कम 15/56। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15, जस्ट लाइक एज ए रेसिप्रोकल। सेम ऑल क्वेश्चन यू विल फाइंड जस्ट लाइक एज ए रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेम कंडीशन, न्यू क्वेश्चन, -1 गिवेन, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1, सेम नंबर विल कम, -1/1 इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ रेसिप्रोकल टूगेदर, तो 1/-1, डिनोमिनेटर विल फाइंड पॉजिटिव, तो -1/-1 मल्टीप्लाई टूगेदर, तो -1/1 सेम नंबर विल कम। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हियर -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू 4/5 -4/5 सॉरी। तो हियर इफ यू विल फाइंड, तो नंबर विल कम एज सेम -4/5 मल्टीप्लाई टूगेदर, तो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 इंटू -2/7 गिवेन इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, वी नो दैट इट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, -19/29 इंटू -29/19 इक्वल टू 1 गिवेन, क्वेश्चन गिवेन, तो इट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई टूगेदर, एनी प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवेन मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट टाइम विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू -16/7। अगेन 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस मस नंबर -16/7 मल्टीप्लाई -16/7 बाय मल्टीप्लाई बाय -16/7, आंसर विल कम -96/91। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू।